1970 में मैंने 5 एकड़ का घर खरीदा $2,40,000 में। कुछ ही महीने के अंदर मेरे करीबी दोस्त ने उस घर को खरीदना चाहा। वो उस जगह की हर एक एकड़ को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहता था, मतलब एक प्रॉपर्टी से सीधा 10 प्रॉपर्टी रिजोनिंग करके। उसने मुझे जो अमाउंट ऑफर किया वो मेरे हिसाब से मेरे आस्किंग प्राइस से 3 गुना ज़्यादा था, पर उसने एक कंडीशन रखा कि वो उसकी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 12 महीने बाद करेगा, क्योंकि उसे किसी तरह से पता लग गया था आसपास के रेजिडेंस ओनर को कन्विंस करने में और रिजोनिंग में गवर्नमेंट के अप्रूवल पाने में उसे 12 महीने लग जाएगा। तब मैं 26 साल का था। मैं देखना चाहता था कि क्या होता है आखिर में, जो मेरे लिए एकदम नया था। टाइम बीतता गया, उसका रिजोनिंग अप्रूव्ड हो गया और हमने वो डील क्लोज कर दिया। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक आई ओपनर था जो मेरे दिल को छू गया। उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने 40 एकड़ का एक मैंसन खरीदा एरिजोना की वैली में, जिसको बनाया था बिग ऑयल टाइकून वाल्कर एमसीक्यू ने 1960 में। मेरा प्लान था वहां की हर एक रूम को एक रिसोर्ट में कन्वर्ट करना, पर उस सिटी ने मुझे रिजोनिंग करने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। इसलिए मैंने प्रेफर्ड रेसिडेंशियल जोनिंग अप्लाई किया, जिसके लिए हर एक बिल्डिंग पैड को कट एंड फिल करना होगा। बिल्डिंग पैड मीन्स उस मेंशन का पिलर जिसके ऊपर वो खड़ा है, जो करने के लिए मुझे दूसरे बिल्डर्स के साथ बात करना पड़ा। उसी दौरान मुझे एक बायर मिल गया था। 5 एकड़ जगह के लिए वो मुझे उतना पैसा देने के लिए तैयार था जितना मैंने उस पूरे 40 एकड़ को खरीदने में लगाया था, यानी पूरे $3 मिलियन। बाकी की जगह को 28 रिजॉर्ट साइट में कन्वर्ट कर दिया। मैं वो सारा साइट $2-6 लाख के बीच में बेच दिया, पर मैंने खुद के लिए एक अच्छा साइट बचा के रखा फैमिली वैकेशन के लिए, क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी थी, बट बाद में उसे भी बेच दिया। $3 मिलियन में उसे खरीदा और $10 मिलियन से ऊपर की प्राइस में उसे बेच दिया, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉफिट है आज तक। दोस्तों, स्टोरी फेमस डेवलपर मेल स्वार्ज की है, जिन्होंने JDM प्रॉपर्टी को फाउंड किया था 1983 में। पर रिजोनिंग करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आप जितना क्वेश्चन पूछोगे आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी होगी। जैसे यहाँ लोगों की जिंदगी कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे मैं लोगों को अफोर्डेबल घर या कमर्शियल ऑफिस ऑफर कर सकता हूँ, कैसे लोगों को और जल्दी मेडिकल सर्विस मिल सकता है। अगर आप किसी जगह से गुजरते हो और देखते हो एक जगह खाली पड़ा हुआ है और बाकी की जगहों पे बिल्डिंग बन रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछो, क्यों इस जगह पे अभी तक प्रॉपर्टी बनी नहीं है, किसका है ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल क्या होगा, अगर मैं यहाँ बिल्डिंग बनाता हूं तो कौन लोग इसे खरीदेगा। रीजनिंग मतलब मार्केट की जरूरतों को समझना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, प्लस थोड़ा फाइनेंशियल लॉजिक भी यूज करना। और एक बात, जब आप रीजनिंग करें तब उस जगह की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें, फिजिकली एंड लीगली, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस इन नोइंग एंड गेसिंग। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है रीजनिंग के बारे में, कैसे सही क्वेश्चन करने से आपकी प्रॉफिट 3 गुना बढ़ सकता है। तो इसे अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।